सीएम अरविंद केजरीवाल आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर। वाराणसी में ज्ञान वापिस सिंगार गौरी विवाद पर आज आएगा फैसला। देश भर में गैंगस्टर के 60 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, 160 अधिकारी कर रहे कार्रवाई। भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल हुई प्रसिद्ध एथलीट और एशियाई स्वर्ण पदक विजेता शाइनी विल्सन। अब खुलेगा सोनाली फोगाट की मौत का राज, गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सीबीआई जांच की सिफारिश। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। नोएडा के एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम ने इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डेयरी सेक्टर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती से दूध से जुड़ा व्यापार संस्कृति का हिस्सा है। इसके साथ ही पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि डेयरी से करोड़ों लोगों का जीवन चलता है। वहीं डेयरी समिट में कई देशों के किसान भी शामिल हुए और कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर में वुमेन पावर 70% है। भारत के डेयरी सेक्टर की कर्णधार महिलाएं हैं। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य ना सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। वाराणसी में ज्ञान वापी फैसले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हर चौक चौराहे से लेकर शहर के कोने कोने तक कमिश्नर ने खुद पैदल मार्च किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि शहर में ड्रोन कैमरे की मदद से भी नजर रखी जा रही है। शहर में पुलिस बल के साथ आरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। वाराणसी के जिला न्यायाधीश के द्वारा एक प्रकरण में जो कि ज्ञानवापी परिसर से संबंधित है, निर्णय अपेक्षित है, इसको लेकर सभी जगह अलर्ट जारी किया गया है। सभी जो हमारे संवेदनशील जनपद हैं वहाँ पे लगातार अधिकारी गश्त कर रहे हैं तथा इस संबंध में उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से वार्ता भी की है। उनको बताया भी गया है कि जो भी माननीय न्यायालय के डिसीजन आएंगे उसके अनुसार ही पुलिस को कार्रवाई करनी है और कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था भंग ना होने पाए, इसके लिए सबसे अपील भी की गई है। पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता गौरव का रुख करेंगे। गौरव, ज्ञान वापी मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए मिस्टर, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और आज जो 12 सितंबर 2022 का दिन है बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस दिन फैसला आने वाला है कि जो याचिका दाखिल की गई थी 5 महिलाओं द्वारा, जिसमें राखी सिंह हो गई, अंजू व्यास हो गई, पाठक हो गई, सीता साहू हो गई, सभी 5 महिलाओं ने यहाँ पे याचिका दाखिल की थी और याचिका ये थी कि 1991 से पहले ज्ञानवापी मस्जिद में लगातार सिंगार गौरी मंदिर, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ मंदिर है, वहाँ पर लगातार पूजा अर्चना होती थी। उसके बाद 1993 के बाद से लगभग 3 दशक हो गए हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना होनी बंद हो गई है। ये मामला है, इस पर लेकर याचिका दाखिल की गई, क्योंकि अगर आपको बता दूँ
कि जब राम मंदिर निर्माण का फैसला आया था दिसंबर 2019 में, इसकी याचिका दाखिल गई थी, तब कोरोना के चलते इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। उसके बाद अगस्त 2021 में फिर यह मामला उठाया है, उसके बाद लगातार इस पर कार्रवाई चल रही थी, लगातार इस पर बहस चल रही थी। बहस करने के बाद ASI को कहा गया था सर्वे करें, और काफी जद्दोजहद के बाद, हालांकि सर्वे का तमाम विरोध किया गया, सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट से भी इसको निराशा हाथ लगी और सर्वे का आदेश ASI को और वाराणसी प्रशासन को दिया गया और सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट सौंपी गई। और सर्वे में मयूरी जो व्यवस्था आई थी जिसके द्वारा लिखा जाता जो मुस्लिम पक्ष था उसका कहना ये था कि वहाँ पर बजूखाना है और वहाँ पर जो फुब्बारा है भाई हिंदू पक्ष का कहना था कि बजूखाना नहीं है बल्कि वहाँ पर शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर धार्मिक के कुएं में शिवलिंग बना गया है, रख दिया गया है, उसको बजूखाना बताया जा रहा है और ये आस्था का खिलवाड़ है और इसी पर फैसला आना है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण फैसला है, इस फैसले के माध्यम से आने वाली तस्वीर साफ होगी कि आने वाले समय में इस पर क्या बहस होगी, किस तरह इस पर दलील दी जाएंगी। जी गौरव, फैसले से पहले इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, इसके अलावा क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं या निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पर धारा 144 लागू की बनारस में, इसके अलावा अगर बात करूँ लखनऊ की, लखनऊ में भी यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, क्योंकि ये फैसले होते हैं खासतौर पर जो हिंदू मुसलमान संबंधी को फैसला होता है, इसके पहले जब भी बाबरी विध्वंस का या राम मंदिर निर्माण के फैसले आते तब केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में व्यवस्था लागू की जाती थी कि धारा 144 भी लागू होती थी, सन्नाटा रहता था सड़कों पर और लगातार पुलिस बल जो है फ्लैग मार्च करते थे। इसी के चलते अभी चूंकि महत्वपूर्ण विषय है ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद सिंगरवाड़ी मामले के चलते यहाँ पर ढाई बजे फैसला आना है, ढाई बजे फैसले आने के चलते यहाँ पर जो शहर है बनारस को कई भागों में बांटा गया है, कई बड़ी बटालियन इसमें लगी हुई है, बटालियन के साथ साथ बड़े पुलिस बल वहाँ मौजूद है और साथ ही साथ लखनऊ जो कि राजधानी उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर भी SG सराफ का जो भी नव नियुक्त पुलिस कमिश्नर है उन्होंने बेहतर व्यवस्था की है और लगातार पुलिस का मुस्लिम बहुल क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, क्योंकि आवश्यक यहाँ पर इसलिए है कि महत्वपूर्ण फैसला है SG करुणेश, SG विश्वनेश जो कि यहाँ पर फैसला देंगे, ढाई से तीन महीने के लगभग फैसला आएगा, निश्चित रूप से फैसला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज स्पष्ट हो पाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो महिलाओं द्वारा याचिका दाखिल की गई है वो सुनवाई योग्य है या नहीं है। जी जी गौरव, वहाँ लोगों में कैसा माहौल है, दोनों हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि उनके हक में फैसला आएगा, दोनों पक्षों में कैसा माहौल है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए मजूरी न्याय व्यवस्था अपनी अलग है, तमाम 497 साल पुराना जो मामला था अयोध्या का, बाबरी का और राम मंदिर निर्माण का, वो फैसला आया, उसके बाद फैसले के आने के बाद दोनों पक्षों ने कहा था कि हमें जो भी फैसला रहेगा वो स्वीकार रहेगा, तो यहाँ पर जो भी फैसला आएगा वो स्वीकार होना चाहिए। हालांकि सर्वे को लेकर इस मामले को टालने को लेकर तमाम तरह की याचिका दाखिल की गई थी, पर मामला चूंकि कोर्ट में रहा और कोर्ट के माध्यम से ये बात स्पष्ट की गई थी जो भी फैसला आएगा वो सभी को सर्वमान्य होगा, दलीलें होगी, ये सुनवाई, ये जो मामला है सुनवाई योग्य है कि नहीं है, जब ये पहले निश्चित हो जाएगा उसके बाद फिर आगे जाके दलीलें होंगी, जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत की जाएंगे, सर्वे हो चुका है, फोटो जारी हो चुकी है, वीडियो वायरल हो चुके हैं, तमाम चीजें हैं ज्ञानवापी और सिंगरवाड़ी मंदिर से जुड़ी हो चुकी हैं। अब फैसला यहाँ पर सरकार को जो माफी करता हूँ कोर्ट का फैसला आना, कोर्ट के फैसले आने के बाद यहाँ पर पता चलेगा कि आने वाली सुनवाई में क्या होगा, सरकार को क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रशासन को क्या व्यवस्था यहाँ पे करने को, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण फैसला आ जाने वाला है, इसको लेकर लगातार जनता में माहौल भी है, क्योंकि जब हमने देखा था सर्वे हो रहा था उस समय भी लगातार सरगर्मी बनी हुई थी और काफी समय में वहाँ पर उपद्रव की संभावना भी थी, पर प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ पर जो विरोध था उसको रोका गया था और दोनों पक्षों के वहाँ पर सुनवाई की जाएगी, उसके बाद अभी मामला कोर्ट में है जहाँ पर आज फैसला आने वाला है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। फैसले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, बता दें ज्ञानवापी फैसले को लेकर आज फैसला आएगा। सुरक्षा को देखते हुए कमिश्नर ने पैदल मार्च किया है, ज्ञानवापी फैसले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि शहर में ड्रोन कैमरे की मदद से भी नजर रखी जा रही है, शहर में पुलिस बल के साथ RPF के जवान भी तैनात किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता आफताब का रुख करेंगे। आफताब, ज्ञानवापी फैसले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, आज जो है कि
पिछले 24 तारीख को जो दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद जो सुरक्षित रख लिया गया था फैसला, उसको आज सुनाना है। लगभग 2 बजे के बाद उस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो समक्ष पक्ष के सामने रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सुरक्छा की अगर बात की जाए तो यहाँ एक छत्तीसगढ़ जो यहाँ के सीपी हैं कमिश्नर, उन्होंने जो है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनाती है। आरपीएफ के जवान, पुलिस बल, थाना प्रभारियों को पूरे तरीके से दिशा निर्देश दिया है कि कहीं से भी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि जितने भी प्रमुख जन है वह धर्मगुरु है, सबको बुला करके एक मीटिंग भी की गई है और लोगों से शांति की अपील भी की जा रही है, और वहीं पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की नजर है। अफताब, आप वहां मौके पर मौजूद है, वहां कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? अफताब, आवाज आ रही है हमारी आपके पास? जी आ रही है। अफताब, आप वहां मौके पर मौजूद हैं, आपके आसपास कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? ये आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर गाड़ियां लगी हुई हैं, जो कि आप पूरे तरीके से देखिए पुलिस बटालियन की पूरी गाड़ियां खड़ी है, और मौके पर यहाँ पर आप देखिए लोग जो है यहाँ पर काफी तादाद में भीड़ है, और लोग काफी फोर्स के साथ सिक्योरिटी के साथ जो है कि वो लोग सिक्योरिटी के साथ पूरे तरीके से लोग अभी कचहरी परिसर में, कचहरी परिसर की भी जो है सुरक्षा वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर चूंकि नेट काम नहीं कर रहा है वहाँ पर एकदम मौके पर, इसलिए हमको थोड़ा सा वहाँ से हटना पड़ा, दो गेट छोड़ करके तीसरे गेट पर हम खड़े हुए हैं इस वक्त। अफताब, वहाँ सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं? जी बता दें आपको भी सुरक्षा को लेकर के यहाँ के सीपी ने पूरी तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चकाचौंध की है, सबको निर्देश दिया है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, कड़ी व्यवस्था के साथ सुरक्षा तैनात है। वहीं कचहरी परिसर की बात करें तो वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और हर तरह के यहां पर आरपीएफ के जवान से लेकर के यहां की पुलिस थाना प्रभारियों को पूरी तरीके से दिशा निर्देश दिया है कि सुरक्षा में कहीं भी कोई तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। जी धन्यवाद अफताब, तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ में विद्युत समाधान सप्ताह के मौके पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने समाधान शिविर का निरीक्षण किया, साथ ही उपभोक्ताओं के विद्युत संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। वहीं समाधान शिविर के बारे में पूरे क्षेत्र में टीम लगाकर उपभोक्ताओं को समाधान शिविर की जानकारी देने को कहा, जिससे अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ ले सके। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा सरकार पिछड़े के नाम पर सिर्फ एक ही जात को तहरीज देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछड़ों के नाम पर सिर्फ एक विशेष जाति को ही सरकारी नौकरी दी है। कन्नौज में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी थानों में पुलिस अपराधियों की धरपकड़ जारी है। इस अभियान के अंतर्गत अलग अलग थानों के क्षेत्र से लगभग 45 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई वांछित अपराधियों को न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जनपद कन्नौज पुलिस ने 16 घंटे का एक अभियान वांछित, वारंटी और पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी का चलाया था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप कुल 45 वांछितों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अभियान अभी भी अनवरत जारी है। बुलंदशहर के ग्राम सिलाहरी में रास्ते में पानी और कीचड़ लेन होने से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत अधिकारी से की। वहीं शिकायत के बाद भी अधिकारी मामले में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते जनता में आक्रोश भरा हुआ है। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य ने जिला अधिकारी से समस्या को जल्द हल करने की मांग की है। मैं नेपाल से गाँव सिलाहरी से हूँ, और समस्या ये है कि मेरे गांव की जो रास्ता है करीबन 500 मीटर की दूरी पर रास्ता इतनी ख़राब है जिसका कोई जवाब नहीं।
स्कूल के बच्चे निकलने वलने में बहुत दिक्कत है और बुजुर्ग लोग हैं वो भी परेशान रहते हैं, निकलने बनने की बहुत बड़ी दिक्कत है। और मैं सुरेंद्र सिंह प्रधान जी से कई बार कह चुका हूँ कि ये रास्ता ठीक करा दे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। और वो ये और कहते हैं कि हमें क्या आपने वोट दिए हैं। और सेक्रेटरी महोदय से भी कई बार कह चुका हूँ, सेक्रेटरी महोदय ने भी कभी आज तक सुनवाई नहीं की। मथुरा में गोवर्धन रोड के समीप बच्चों को ले जा रही स्कूली वैन ओवर स्पीड के चलते खेतों में फिसल गई, जिसके बाद ड्राइवर की लापरवाही को देश राहगीरों ने ड्राइवर के साथ हाथापाई की और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। बिजनौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश कर मुठभेड़ के बाद 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं चोरों के पास से चोरी के सामान समेत कई अवैध हथियार बरामद हुए, साथ ही चोरी किया गया ट्रैक्टर और रूटावेटर भी बरामद किया गया। वहीं एसपी ग्रामीण ने घटना का खुलासा किया। दिनांक 22/8/2022 को काजी जादगान मोहल्ला कस्बा चांदपुर से एक जॉन डियर ट्रैक्टर और मैं रोटावेटर के चोरी हुआ था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई थी। इसके संबंध में थाना चांदपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुखबिर की सूचना पर आज पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो फहीम कराल गांव थाना चांदपुर का रहने वाला है, इसका सरगना है। इसके अलावा कलीम और शौकीन जो पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर रहने वाले हैं, ये गिरफ्तार हुए हैं। थाना क्षेत्र में गड्ढे की जमीन की पैसा पैमाइश करने गए लेखपाल से 4 युक्तियों ने विरोध करते हुए प्रधान पुत्र की पिटाई कर दी और रेप के मामले में फंसाने की धमकी दी। वहीं ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बना लिया, जिसके बाद पुलिस ने चारों युक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज छानबीन कर शुरू कर दी। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अंतर्गत बनने वाले प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर व्यापारी और क्षेत्रीय लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं प्रस्तावित फ्लाईओवर के विरोध में व्यापारी और क्षेत्रीय लोगों ने विधायक के कार्यालय का घेराव कर दिया, जिसके बाद कार्यालय में बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं व्यापारियों का कहना है कि विधायक से कई बार मिलने के बाद भी, लेकिन विधायक अभी तक नहीं मिले, ना ही मामले की कोई कार्रवाई की। नया जो प्रस्तावित फ्लाईओवर है, ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है, क्योंकि जितने भी आज तक प्रस्ताव हुए हैं उस बाईपास के सुदृढ़ीकरण के लिए हुए थे। पहले जो प्रस्ताव थे प्रशासन के द्वारा भेजे हुए, और प्रस्ताव ये थे कि चौड़ाई पे केवल गोल चक्कर बनाने से जाम की समस्या स्थायी रूप से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शहर के अंदर कोई हैवी ट्रैफिक अब नहीं आता है। हैवी ट्रैफिक सारे डाइवर्ट होकर 6 लेन जो नया जीटी रोड बना है उस पर होकर निकल रहा है। तो साहब, शहर में अगर आप फ्लाईओवर बना देंगे शहर की तरफ, तो जो हमारी तीनों मंडियां, फल मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, जो दैनिक उसमें जो हमारे ट्री वाले हैं, टांगे वाले हैं, उनको बहुत बड़ी असुविधा हो जाएगी और वो सर्विस लेनों का इस्तेमाल करेंगे और सर्विस लेन काफ़ी छोटी हो जाएंगी, क्योंकि फ्लाईओवर बनने के बाद में वहाँ केवल 10-10 फीट दोनों तरफ जगह बचनी है। चुंगी पे जो पुल पास किया गया है उसके विरोध में सारे मोहल्ले के सारे दुकानदार सब लोग इकट्ठे होकर आए हैं। पूर्व में टाइम दिया था विधायक जी ने, कल हमसे बात हो गई थी श्री कमल प्रताप जी के द्वारा, और उन्होंने टाइम दे दिया था कि हम 9 बजे के करीब मिलेंगे। कमल प्रताप जी मिल भी गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आप पहुंचिए, हम लोग आ रहे हैं, विधायक जी मिलेंगे आपको। लेकिन अब विधायक जी नहीं है, ये पता चल रहा है कि वो विधायक जी लखनऊ जा चुके हैं। उनकी गाड़ी का पीछा, हाँ, गाड़ी के पीछे हम लोग गए धनीपुर पर, हमें दिख गए थे यहाँ पे एटा चुंगी पर, तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए वहाँ तक, मंडी तक गए, इशारा भी किया, लेकिन वो अखबार पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। संभल में थाना बनिया क्षेत्र के अंतर्गत एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बेटी से मिलने गए पिता पर दामादों ने जानलेवा हमला बोल दिया, जिसके बाद घायल युवक ने 112 डायल कर पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, जिसके बाद मौके से आरोपी भाई फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए पीड़ित युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया और घटना की तफ्तीश में जुट गई। नहीं पाएगा भैया, कल हम बाजार को गए नरौली की, हमने किया बालगंज से मिल गया, देख घूम यहाँ जाके घूमन को चले गए, वहाँ जगह जाके बैठे थोड़ी सी देर, इतनी देर में तो धड़ाधड़ मारपीट शुरू कर दी, ईंट डंडा खुद कट के भैया, हाँ तू तो वही
मैं नरौली चौकी गया कल, वो चौकी में जाके मैंने उनसे कही, उन्होंने नाम तो लिख लिया। बुलंदशहर में बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट में दायर वाद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। वहीं कानून और संविधान का हवाला देते हुए बदायूं जामा मस्जिद वाद को असंवैधानिक बताया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर जाकर ज्ञापन सौंपा। यूं आए हैं कि देश के अंदर जो आज सरकारें हैं वो देश को तोड़ने का काम कर रही है। बदायूं की जामा मस्जिद जो कि 800 साल पुरानी है, एक हिंदू महासभा संगठन उसके ऊपर एक पिटीशन दायर करता है कि मस्जिद नहीं मंदिर है, उसके विरोध में हम आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जबकि हिंदुस्तान आज़ादी के टाइम पर 1947 में ये तय हुआ था, सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो गिरजाघर जो भी हैं जिस हालत में है आज उसी हालत में रहेंगे। और इसके ऊपर 1991 में एक कानून पास हुआ था कि इसके ऊपर जो भी पिटीशन करेगा, जो भी इसके ऊपर इसके विरोध याचिका खारिज दायर करेगा उसे खारिज कर देनी चाहिए, उसे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।